नमस्कार दोस्तों, करियर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर अड्डा। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज के वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे। जो लोग आईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी कमाल की टेस्ट सीरीज लेकर के आया है, वो भी बिल्कुल फ्री। और ये जो टेस्ट सीरीज है वो मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट सीरीज है और इसका जो टाइमिंग है वो 19 दिसंबर को है। तो आप लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए जो फ्री टेस्ट सीरीज है ये बूस्टर साबित होती है। फ्री टेस्ट सीरीज आपको पता है ना कि कितनी महंगी टेस्ट सीरीज मार्केट में मिलती है, लेकिन अनअकैडमी के द्वारा आईटी जैम की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे क्लिक करके इनरोल कर लें। और एक चीज और मैं बता दूं कि इस टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए जिस टाइप की टेस्ट सीरीज होती है उन टेस्ट सीरीज को अनलॉक करने के लिए आप लोग मेरा जो कोड है करियर 10 उसको यूज करिए और इन फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइए। और ये टेस्ट सीरीज आपके करियर में एक नए आपके करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएंगे ये टेस्ट सीरीज। तो ध्यान से आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक बना करके दे दिया और आईटी जैम के इस मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएं, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि अनअकैडमी फ्री टेस्ट सीरीज करा रहा है। आज के वीडियो में कमाल की जॉब आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। तो ये जो जॉब है, सबसे पहले इस जॉब को आप लोग ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो जॉब है थोड़ा सा क्रिटिकल है इसमें और वैकेंसी बहुत ज्यादा निकली हुई है, भर भर के वैकेंसी है। और थोड़ा सा मैं बात करता हूं कि इसमें जो जॉब निकली हुई 2 टाइप्स की, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, 2 टाइप्स की जॉब है। तो कैटेगरी 1 में है मैकेनिकल इंजीनियर, जिसमें 13 वैकेंसी है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6 वैकेंसी, केमिकल इंजीनियरिंग 7 वैकेंसी, सिविल के लिए 13 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 है, केमिस्ट्री के लिए 4 है। तो ये जो सारी वैकेंसी है केमिस्ट्री को छोड़ करके बीएससी मांगा है क्वालिफिकेशन केमिस्ट्री के लिए। बाकी वैकेंसियों की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो क्या जो लोग बीटेक किए हुए वो अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने डिप्लोमा के साथ बीटेक किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, डिप्लोमा के साथ बीटेक किए हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो 10th प्लस डिप्लोमा किए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th प्लस डिप्लोमा किए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 10th प्लस 12th प्लस डिप्लोमा किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज आप लोग देखिए कॉमन है, वो है डिप्लोमा, मतलब जो लोग डिप्लोमा किए हुए हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी में। तो और जो केमिकल के लिए है उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो बीएससी मांगा है, तो उसके में बीएससी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें प्लांट ऑपरेटर की जॉब है जिसमें 15 वैकेंसी है, और इसमें सबसे ज्यादा और वैकेंसी आई हुई है आईटीआई वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए इसमें भर भर के वैकेंसी है, और टोटल जो पोस्ट है वो 106 है, 106 वैकेंसी है। तो आईटीआई वालों के लिए भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। चलिए मैं नाम ले लेता हूं किन किन ब्रांचों के लिए आईटीआई में है, मशीनिस्ट है, फिल्टर है, फिटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनिस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, वेल्डर है, मशीन डीजल है, मशीन ग्रिंडर है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है। तो इतनी सारी पोस्टों के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च में आप लोगों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। और एक चीज मैं बता दूं, सबसे बड़ी जो मेन बात है किसमें जो मार्क्स होना चाहिए आपका 60% होना चाहिए। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि गवर्नमेंट सेक्टर में परसेंटेज की बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो अगर परसेंटेज 60% है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें जो एज लिमिट है कैटेगरी 1 के लिए वो 18 मिनिमम जो 18 साल है, मैक्सिमम 24 साल है, और कैटेगरी 2 के लिए जो आईटीआई वालों के लिए 18 साल और 22 साल रखी गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कितनी आपको पे आउट मिलेगा सैलरी, ये 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, और लेकिन एक बात बता दूं कि परमानेंट कैसे होगे, सबसे पहले चलो स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं। कैटेगरी 1 वालों के लिए 16,000 रुपए मिलेंगे फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में 18,000 रुपए मिलेंगे। कैटेगरी 2 वालों की बात करें 10,500 मिलेंगे और सेकंड ईयर में उनको 12,500 रुपए मिलेंगे। और एक चीज मैं बता दूं कि ये जो भी भाभा एटॉमिक रिसर्च की जॉब है, अगर ये लोग 2 साल के प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के बाद ये आपका इंटरव्यू लेंगे, अगर इनको लगेगा कि आपके अंदर पोटेंशियल है तो ये आपको परमानेंट जॉब भी देंगे। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मैं कहूंगा इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप सब लोगों को ये वीडियो
पूरी तरह से देखना चाहिए और जो इस लायक है उनको अप्लाई जरूर करना चाहिए, यह मौका हाथ से जाने मत दें। तो बस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।